नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिएटिविटी विशुषमा में। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों के पकौड़े। अक्सर हमारे घरों में रोटियां बच जाती हैं तो हम उन्हीं से रोटी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दो बची हुई रोटियां, मतलब आपके यहाँ अक्सर बच जाती हुई रोटियां तो उसको आप कहीं ना कहीं बाहर डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये दो रोटियां थी, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के मिक्सर के जार में पीस लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें चाहिए लगभग, ये मैंने दो बड़े चम्मच के लगभग होंगे, इसे मैंने बेसन डाल दिया है। तो यही कप जो है चम्मच है, ये आधा कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब हमें इसमें कुछ मसाले मिक्स करने हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और ये इसमें मैंने एक प्याज, थोड़ा सा अदरक और ये दो हरी मिर्चें ली हैं। अदरक को मैंने घिस लिया है, हरी मिर्ची काट ली है और प्याज को भी काट लिया है। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हींग भी ऐड कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, एक चम्मच डाल दीजिए। अब हम इसमें मिक्स करेंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें बहुत इसकी घोल जैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक ही चाहिए। ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा है क्योंकि इसमें सूजी मिली है, रोटी मिली है और हम इसे कुछ देर सेट होने के लिए रखेंगे। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अगर फिर हमें लगेगा कि इसमें ज़रूरत है पानी की तो हम डालेंगे, नहीं तो फिर हम इसको गोले बना के फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए जो हमारा गोल था वो काफ़ी और भी थिक हो गया है। तो ये अब फिट है जो हमको बॉल्स बनानी है उसके लिए। तो हम इसके पहले छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे बॉल्स हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से पक भी जाए। इस तरह मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई पहले से ही इस पे रख दी थी गैस पे गरम होने के लिए, उसमें तेल डाल के। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है, सावधानी से इसमें हम धीरे धीरे जितनी बॉल इसमें एक बार में आ सकती हैं वो हम डालेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। लेकिन जब आप इसमें कुछ भी फ्राई करना स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा सा ना तेल गर्म ही होना चाहिए, लेकिन बाद में आप इसको धीमा कर दीजिए, नहीं तो अंदर से ना ये कच्चे रह जाएंगे। इसको लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। ये हमारी पकौड़े की बॉल्स हो गई हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इसमें तलने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, ये रोटी के बॉल्स तैयार हो गए हैं। इनको आप सॉस के साथ या चटनी, कोई भी आप जो घर की चटनी बनाते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो उसको बनाइए और मज़ा लीजिए।